बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्लान के। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसी प्लान को आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ है 20x45, 20x45 इसका साइज है। और बेहतरीन सा यहाँ पर मैंने 3 स्टोरीज घर बनाया है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर में आपको फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसी प्लान को आज हम डिस्कस करेंगे। इसका साइज है 20x45 हाउस प्लान है। और यहाँ पर आपको 3 बेडरूम मिलते हैं, लेटरिन, किचन, बाथरूम और एक पूजा घर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और आपका एक यहाँ पर एक गेस्ट रूम मिलता है जो कि काफ़ी बड़ा सा है। सभी को हम डिस्कस करेंगे, बने हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबाएं जिससे मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आप लगातार देख सकें। मैं आपको यहाँ पर दोस्तों इस चैनल पर लगातार अपडेटेड और बेहतरीन से वीडियो लाता रहता हूँ। मैक्सिमम पॉसिबल जितने भी साइज हो सकते हैं, जो भी हमें कमेंट करते हैं हमारे सब्सक्राइबर उनके कहने पर, और साथ ही साथ जो हमारे फ्रेंड वगैरह उनके कहने पर भी मॉडल हम डिज़ाइन करते हैं। मैं कमेंट करके किसी न किसी के रैंडम पिक करता हूँ और उस मॉडल को डिस्कस करता हूँ। तो आज का कमेंट है उसको जो आया था 20x45 में, ये मैंने हाउस प्लान डिज़ाइन किया है, तो इसी को हम डिस्कस करने वाले। तो बने इस वीडियो में तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट की। सामने की बात करें तो फ्रंट व्यू आपका ऐसा देखिएगा, ये रेलिंग आप देख रहे हो कि एक राउंडेड है और एक रेक्टेंगुलर टाइप का आप यहाँ पे रेलिंग देख पा रहे होंगे। फ्रंट की बात करें, इसका मेन डोर ये है और इसका एक जो फ्रंट में गेस्ट रूम डिज़ाइन किया उस पर भी मैंने डोर और विंडो दिया है। वेंटिलेशन के लिए विंडो दिया और एक डोर भी दिया है, अगर कोई भी गेस्ट आता है तो आप बाहर से भी उसे रिसीव कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसके साइज की तो बता दिया, अब इसको हमेशा की तरह हम ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं आपके लिए। जैसे कि मैं लगातार आपको कोई मॉडल होता है ट्रांसपेरेंट करके पहले आपको दिखाता हूँ। तो ये मॉडल इसका ट्रांसपेरेंसी के बाद है, ये देखिएगा ये मॉडल ट्रांसपेरेंट है और ट्रांसपेरेंट के में ये मॉडल आपको ऐसा दिखता है। ट्रांसपेरेंसी का मीन्स होता है आपको ऊपर से नीचे तक जो भी चीज़ें सारी चीज़ें दिख जाती हैं, चाहे वो लेटरिन हो, बाथरूम, फर्नीचर वगैरह, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये तो इसकी ट्रांसपेरेंसी होगी। अब हम रिमूव कर देते हैं इसकी ट्रांसपेरेंसी, और जैसे इसकी ट्रांसपेरेंसी रिमूव करते हैं फिर से आ जाता है ओरिजिनल पोजीशन पर। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको ले चलेंगे इसके ग्राउंड फ्लोर पर, जो भी इसका ग्राउंड फ्लोर है। तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर जो दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, मैक्सिमम जूम। तो ये इसका फ्रंट लुक होगा, इसका मैंने जो डोर दिया है मेन डोर वो वेंटिलेशन के कारण, और ऊपर भी जाली लगा दिया है। और ये आपका गेस्ट रूम है, उसका डिज़ाइन है और उसका डोर है। आप जैसे मेन डोर से एंट्री करते हैं, या आप गेस्ट रूम की बात करें तो गेस्ट रूम से भी एंट्री कर सकते हैं। मेन डोर से आप एंट्री करेंगे तो आपको सबसे पहले एक गैलरी टाइप का मिलेगा और ये आपका एक गेस्ट रूम मिलता है, ये दिखेगा। इस गेस्ट रूम में आपको एंट्री के लिए एक बाहर से डोर दिया, एक मैंने गैलरी से भी डोर दिया है। और यहाँ पर आपका सोफ़ा वगैरह आप लगा सकते हैं गेस्ट रूम को रिसीव करने के लिए, अपना रूम को डेकोरेट और डिज़ाइन कर सकते हैं। बात करें विंडो की, वेंटिलेशन का एक फ्रंट से दिया है, अगर आप बीच से भी देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। अब इसके बाद जैसे गैलरी से अंदर आते हैं फिर आपको मिल जाती है स्टेयर्स, और इस स्टेयर्स के माध्यम से थोड़ा मैंने एल साइज के स्टेयर्स इस कारण दिया है क्योंकि उसके नीचे हमें लेटरिन और बाथरूम डिज़ाइन करना था। अगर आप थोड़ा सा अगर एल टाइप का बाथरूम देते हैं, सॉरी स्टेयर्स देते हैं, तो वहाँ पर आपको जो नीचे जगह होती है वो पर्याप्त मिल जाती है और उसके नीचे आप किसी भी प्रकार का बाथरूम या लेटरिन डिज़ाइन कर सकते हैं। ये रीजन होता है उसको एल टाइप या उसको डब्ल्यू टाइप का बनाने का। अब बात करें इसके बाद आपको ये यहाँ पर देखिए ओपन स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हैं, सोफ़ा वगैरह या बड़ा सा आंगन टाइप का आप देख रहे होंगे। पीछे की बात करते हैं तो सबसे पीछे आपको मिल जाता है ये दोस्तों आपका एक पूजा घर, जो हमारे एक फ्रेंड थे उनके उन्होंने बोला था एक पूजा घर भी चाहिए, तो आपका ये यहाँ पर पूजा घर मिल जाता है। उसी के जस्ट सामने आपका ये किचन है, ये आप किचन देख पा रहे होंगे, और ये देखिएगा यहाँ पर डोर दिया है। इसके बाद अगर हम लास्ट की बात करें तो आपको 2 बेडरूम मिल जाते हैं जो कि काफ़ी बड़े हैं, 12 फीट लगभग इसकी लंबाई, चौड़ाई की बात करें तो लगभग 9.5 फीट है क्योंकि दीवारें आपको निकल जाती हैं, टोटल 20 ही इसका एरिया है। और इसमें मैंने यहाँ पर ये 2 डोर दे रखे हैं, तो ये पूजा घर, ये 2 बेडरूम, ये किचन, ये आपका बाथरूम, ये स्टेयर्स और गेस्ट रूम, ये एक परफेक्ट घर आपका 20x45 में डिजाइन हो जाता है। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आ रहा हो, आपको ये डिज़ाइन पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो वहाँ भी इस वीडियो को शेयर कर दें। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की, तो फर्स्ट फ्लोर पर जैसे आप चलते हैं तो ये देखिएगा फर्स्ट फ्लोर है, और आप स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर आएंगे तो पीछे वाला बिल्कुल सेम टू सेम पोजीशन है। मैंने यहाँ से पूजा घर हटा दिया है, आपका किचन वही है, बाथरूम वही है, और फ्रंट वाला जो आपका गेस्ट रूम था उसको यहाँ से रिमूव कर दिया है। पीछे आपको दोनों बेडरूम वही रहेंगे।
और ये यहाँ पर ओपन स्पेस मिलेगा, ये आपकी बालकनी है। बालकनी मैंने दो डिजाइन में दिया, आप चाहते हैं तो एक भी कर सकते हैं। एक मैंने राउंडेड दिया है जो आपका डोर के ऊपर होगा, मेन डोर के ऊपर, और जो आपका रूम है उसके यहाँ पर मैंने रेक्टेंगुलर टाइप का यहाँ पर रेलिंग दिया। आप पर डिपेंड करता है रेलिंग कैसा लगाते हैं। ये पिलर है जिसमें आपका जो भी रूफ पड़ेगा, छत पड़ेगा, वो सपोर्टेड में रहे। अब लास्ट फ्लोर की बात करते हैं तो ये देखिए रूफ डाल दिया और चारों तरफ से चार, साढ़े तीन से चार फीट का बाउंड्री, और ये रेलिंग जो मैंने नीचे दिया था सेम वही दिया है। और ये आपका एक जो स्टेयर्स को ढकने के लिए गुमटी बनाते हैं उसको मैंने क्रिएट किया, इससे बरसात में पानी आपका उधर ना जा पाए। तो ये एक परफेक्ट और फुल डिज़ाइन क्रिएट हो जाता है 20x45 में, जैसा कि रिक्वायरमेंट था। क्योंकि तो हमारे एक फ्रेंड थे, उन्होंने इस मॉडल को दिया था और उन्होंने बोला था इस अकॉर्डिंग इसको मॉडल डिज़ाइन करें। तो ये पूरा 20x45 में डिज़ाइन था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई भी डाउट अभी भी रह जाता है तो हमें कमेंट करें। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आप बात करते हैं इसका 2D प्लान का और इसके साइजेस का, तो टोटल 45 है, तो आप तीन पोर्शन में से डिवाइड कर लें, 15 और 15 में। पीछे वाले रूम 15 में है और बीच वाला पोर्शन 15 में डिजाइन कर लें। अगर बीच वाला पोर्शन थोड़ा बड़ा सा करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर आपका स्टेयर्स और किचन भी है, तो आप आगे पीछे 12-12 का कर लें और बाद बाकी जो भी बचता है उसमें डिजाइन कर लें आप बीच वाला पोर्शन। ये एक रैंडम मैंने बता दी चीज़ें, अगर आप चाहते हैं तो 2D भी मॉडल मैं इसका दे दिया करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ये मॉडल कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर आपका कोई भी रिकमेंडेड मॉडल है तो हमें कमेंट करिएगा, हम जितना पॉसिबल हो सकता है उस मॉडल को डिज़ाइन करते हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, कमेंट्स बहुत सारे आते हैं तो सभी लोगों के मॉडल हम नहीं क्रिएट कर पाते हैं, उसके लिए सॉरी बोलना चाहेंगे। और साथ साथ अगर आप हमारे फेसबुक पेज से अभी तक नहीं जुड़े हैं, फेसबुक पर इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कर लें, इससे आपको अपडेटेड वीडियो हम लगातार देते रहें। तो ये कैसा लगा वीडियो कमेंट करें, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, तथा इस माल हाउस प्लान को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।